काम हो रहा है। अच्छा, कितना हो गया काम? कैंपेन, प्रोडक्ट वाला कैंपेन कितना कर लिया है? लोगो बन चुका है, पोस्टर हाँ, के आइडिया भी एक दो बनाए हैं। वेरी गुड। दिखाओ जरा अभी क्या है प्रोग्रेस। एक्चुअली दिखा नहीं सकते सर, मैं करने के लिए अपनी दे के आ रही हूँ सर, ऐसे नहीं दिखा नहीं फोन में भी नहीं है क्या? मतलब मॉडल जी फोन में तो होगा ना? फोन में मतलब फोन तो लेके आई होगी ना? सर। एक्चुअली मुझे सडनली आना पड़ा, कुछ काम था तो मैं मॉर्निंग में आ गई थी, तो मैं अच्छा, सर कल आज इवनिंग तक या कल सुबह तक मैं भेज दूंगी आपको। तो क्या तुमने क्या क्या बना लिया है? लोगो बना लिया है? हाँ लोगो बन गया है और एक दो ऐड बनाया है मैंने। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था एड्स को ना अब एक साथ सीरीज पे काम करोगी, चार पोस्टर हैं तो एक साथ सीरीज पूरी बनाओगी इस पोस्टर में। हाँ, चारों फ्रेम को साथ में रखो, देखो क्या चीज़ कॉमन करनी है, क्या चीज़ डिफरेंस करनी है, कैसा तुम्हारा आइडिया है। तुम्हारा टॉपिक क्या था प्रियंका? सर एयर फ्रेशनर था। ऑर्डिनल। हाँ, तो मैंने उसमें बताया था फ्लेवर्स क्या अलग अलग फ्रेगनेंसेस के ऊपर कर लो। हाँ सर, सोशल का मुझे समझ नहीं आ रहा। सोशल सोशल के कुछ टॉपिक फाइनल किया है अभी? किस पे करोगी? टॉपिक तो देखा था सर, लेकिन कर लो और डिस्कस कुछ खास आज, नहीं। कर लो फाइनल, क्योंकि आप टॉपिक को लटकाओ मत। क्या तुमने कुछ टॉपिक भेजे हैं मुझे? नहीं सर, ना सोशल का तो मैंने टॉपिक्स नहीं भेजे हैं। अच्छा, सोचे हैं कुछ? माइंड में कुछ आइडिया है? हाँ सर, आपने हेल्थ को लेके बोला था तो सोचा था सर हेल्थ को अपना लेके। कैमरा ऑन सर कर लो। एक्चुअली मैं कहीं और हूँ इसलिए नहीं बोल पा अच्छा, रही हूँ। हाँ नहीं, वो बात करने में इजी रहता ना फेस टू फेस। क्या मैं क्या बोल रहा था कि सोशल में उसको ज़्यादा पेंडिंग मत करो, सोशल में जो टॉपिक हो गए हैं उनको छोड़ के देखते हैं क्या टॉपिक कर सकते हैं। कुछ रिसर्च नहीं करी अपनी तरफ से क्या टॉपिक लेने हैं? देख रही हूँ सर, समझ नहीं आ रहा बस तो देखने में जो ना, शॉप। हाँ नाम तो बताओ क्या क्या देखा है, तो मुझे आइडिया लगे ना किस एंगल में सोच रही हूँ। सर मुझे आज का टाइम बस और दे दीजिए सर, मुझे हाँ तो ठीक है, मुझे फिर कल तुम लिस्ट टॉपिक के बताओ उसके वाले जो सोशल जी। सोशल पे करने वाली हो। सोशल पे अगर नहीं आ रहा, सर्विस पे भी कर सकती हो, किसी भी सर्विस को प्रमोट कर सकती हो, एयरलाइंस को कर सर्विस भी सकती। कर सकती हूँ। हाँ, एयरलाइंस, एयरलाइंस है, बस सर्विस है, टैक्सी सर्विस है, ओला कैब सर्विस है, ठीक है, मेट्रो सर्विस है। अच्छा, हाँ, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सर्विस है, तो सर्विस सेक्टर के अंदर जो कैटेगरी के अंदर आते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर सोशल पे नहीं करने का मन कर रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सर्विस पे भी कर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर सोशल पे नहीं आइडिया आ रहा है या माइंड नहीं जा रहा है तो हमारे पास ऑप्शन कैटेगरी में सर्विस है। सर्विस में मैंने जैसे बताया कि कई तरीके की सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड सर्विस से लेके इंटरनेट सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, आपका एयरलाइंस, बस सर्विस, रोड मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इनफैक्ट सर्विस के अंदर तुम चाहो तुम कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन को भी ले सकती हो, कुछ डिलीवरी करने वाली सर्विसेज है, या कई बार गिफ्टिंग सर्विसेज भी होती हैं, जैसे गिफ्ट। आजकल आजकल ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, पहले था कि लोग किसी के बर्थडे पे या किसी के कुछ फेस्टिवल पे जाते थे कुछ ख़रीदने, और उसको हम हाथ से बनाते थे, पैक करते थे, फिर कोरियर वाले कंपनी को देते थे। आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, अभी भी नहीं आ रही है? हेलो, आप आ रही है? तो सर्विस सेक्टर इंडिया में ड्यू टू दिस इंटरनेट सर्विस बहुत तेज़ से चेंज हुआ है। आज कोई भी बाहर मार्केट जाके कुछ ख़रीदना या कुछ पैक कराना पसंद नहीं करता, उनको पता है कि बहुत सारी जो चीज कंपनीज़ हैं उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो मतलब कोई अलग हटके, जैसे सर्विसेज सेक्टर के अंदर मैंने बताया कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आपका गिफ्टिंग है, लॉन्ड्री सर्विस है, आजकल अगर आपको अपने कपड़े वॉश कराने हैं तो भाई आप लॉन्ड्री सर्विस से ले लो। इनफैक्ट मैं दिल्ली में था तो मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ, एक मतलब अक्षरधाम एरिया में जहाँ मैं रहता था वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते थे। कि आवाज़ आ रही है मेरी प्रियंका? आ रही है सर। तो मतलब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एक लॉन्ड्री सर्विस वाला था, तो जनरली वो क्या करता था, हर
एक महीने के अंदर जो ऑफर्स आते थे उसके यहाँ, जो ऑफर वो मेरे को मैसेज करता था व्हाट्सएप पे। और जल्दी कपड़े वॉश कराने का प्रॉब्लम रहता ही है स्टूडेंट और बैचलर्स को कि यार वो धुलें कैसे, तो उनको मेंटेन करें। तो मैंने उसको एक बार सर्विस यूज़ करके देखी, तो वो क्या करते थे सारे आपके केजी में, मतलब अपने साथ एक मशीन लाते थे और वेट कर लेते थे कपड़ों का, और पर केजी मतलब 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ जो भी उनके चार्जेस होते थे उसके हिसाब से वो कपड़े लेके आते थे, लेके गए वॉश करे, आयरन करे, पैक करके बढ़िया, उनको बढ़िया पैक करके आपको 2-3 दिन के अंदर आपके घर पहुँचा दिए, और आपने पेटीएम से पे कर दिया। मतलब यू आर सो, मतलब आई एम फील सो ग्लैड कि यार ऐसी भी कोई सर्विस है, क्योंकि बैचलर्स लाइफ में पता है कि यार अपने आप को मेंटेन करना, फूड ब्रेकफास्ट मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बेसिकली फॉर स्टूडेंट जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको ऐसे कुछ चीप सर्विस मिल जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जितने मेट्रो सिटीज़ में ये सब फैसिलिटीज़ बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं ऑलरेडी, बट अभी थोड़ा सा कई स्टेट्स में ये डेवलपमेंट धीमे धीमे हो रहा है, बट आने वाला फ्यूचर यही है। ठीक है, हर कैटेगरी में स्पेशलिस्ट बंदा उस चीज़ को डील करेगा। ठीक है, सो ऐसी कोई इनोवेटिव देखो कि तुम्हें किस सेक्टर में मज़ा आ रहा है, तो कोई तुम सर्विस स्टडी कर सकती हो, गिफ्टिंग का कर सकती हो, स्टेशनरी का कर सकती हो। हाँ, स्टेशनरी का कर सकती हो कि अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, हमें स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है, तो एक ऐसी बनाओ सर्विस कि स्टेशनरी में आपको शीट्स, कलर्स, ब्रशेस अगर सब आपके घर पर अवेलेबल हो, ऐसा कोई पोर्टल हो, समझ रही हो? ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा आने वाली जनरेशन के हिसाब से सोचो कि आने वाले 10 साल में क्या चेंजेस होंगे टेक्नोलॉजी में, आर्ट में क्या चेंजेस होंगे, रिक्वायरमेंट में क्या चेंज होंगे। तो मेरी ये सर्विस अगर मैं इस पर काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो आगे मुझे उससे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, हाँ, तो रेस्ट इसको फाइनलाइज़ करो, आज ही लिस्टिंग करो। अगर सर्विस पर करना है तो एटलीस्ट 5 ऑप्शंस बनाओ कि क्या क्या सर्विसेज हम कर सकते हैं। हाँ, उसके नाम के साथ कल हम बात करेंगे क्या नाम रहेगा, मतलब जो भी सर्विस लोगे उसका नाम डिसाइड कर लेना, कल हम उसको फाइनलाइज कर देंगे, और बाकी जो आपकी पहली कैंपेन की प्रोग्रेस है वो मुझे दिखा देना, इतना आपका काम रहेगा। ठीक है प्रियंका, चलिए ठीक है, करिए आप काम अपना कंटिन्यू। दूसरा कौन है? प्रियंका, हाँ हाँ, वो आपके पास जूम मीटिंग का कोड दिया हुआ है और आईडी दी हुई है, तो आप लिंक क्लिक करोगे, वहाँ पर पासवर्ड अगर मांगेगा तो उसमें मेंशन है, वो एंटर कर दोगे तो शायद कोई एग्जीबिशन या कोई आर्ट शो है यहीं पर जो सीनियर्स का या टीचर्स का, हाँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना, कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको उसके बारे में क्या डिटेल में। ठीक है, ठीक है, तो एक बार ज्वाइन कर लेना, 3 बजे के आसपास है तो उसको कर लेना, कोई टेंशन नहीं, जब करोगी तभी समझ में आएगा, हमें भी नहीं पता उसके अंदर है क्या एग्जैक्टली, तो शायद हम लोग भी मिलेंगे उसी मीटिंग के अंदर ही आपको। ठीक है, आ जाओ प्रियंका, आप आ जाओ, प्रियंका पाल, गुड आफ्टरनून, कैमरा ऑन करके बात करो प्रियंका। कोई बात नहीं, हाँ, अगर नेटवर्क इशू आएगा तो मैं बोल दूंगा बंद कर लेना। ठीक है, तुम्हारे ऐड तो अब पहले से इम्प्रूव हैं, एक मिनट, मैं अभी व्हाट्सएप पे देख रहा था तुमने भेजे मुझे, अभी ज़रा चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है, टेस्ट ऑफ विटामिन, टेस्ट अ बाइट ऑफ विटामिन, चॉकलेट फ्लेवर, पहले VOUR फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, टेस्ट द बाइट ऑफ विटामिन, चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़, कुकीज़ मेंशन किया है कहीं? आपने बोला था देखो तुम्हारा विजुअल सही लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी सही है, ऊपर की हेडिंग भी सही है, नीचे का जो अरेंजमेंट है जहाँ पर तुमने ये चॉकलेट प्लस कुकीज़ लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तुमने जो नीचे लिखा हुआ है, बाकी रेस्ट तुम्हारा, हाँ, ऐड ठीक लग रहा है। यहाँ पर थोड़े ये कॉन्सेप्ट एक बार सारे देख लेता हूँ, चॉकलेट के नीचे लिखा हुआ है वेलकम, ये वेलकम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेलकम क्यों लिखा हुआ है, नहीं अच्छा लग रहा है। चॉकलेट, योर फेवरेट चॉकलेट इज़ इन कुकीज़, द जॉय ऑफ गोइंग बेस्ट बाइट,
एक काम करो ना, तुम जहाँ पर चॉकलेट प्लस कुकीज़ है ना, चॉकलेट प्लस कुकीज़ लिखा है उसको साथ में लिख दो, एक लाइन में लिख दो चॉकलेट प्लस कुकीज़, बाकी जो लाइन लिखी वो वैसी रहने दो एज इट इज़। ठीक है, थोड़े बहुत करेक्शन कर लो इसमें। क्या क्या बोल रही हो, नहीं समझ में नहीं आया। अच्छा बंद कर लो कैमरा, कैमरा बंद करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करके बात कर लो। हाँ देख रहा हूँ मैं। ये बोल रही थी कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलो बोलो प्रियंका, सुन रहा हूँ। हाँ, चॉकलेट प्लस कुकी एक हेलो। हाँ तुम्हारी आवाज़ कट रही है, समझ में नहीं आ रहा, अभी फिर से ट्राई करो। सर एक्चुअली नेटवर्क इशू है, अगर कोई और क्लास में ना हो तो मैं आपको कॉल कर लूँ? क्लास में एक मिनट देख लूँगा, सर मैं ही हूँ बस अकेला, तो क्लास में प्रियंका है। अच्छा ठीक ठीक प्रियंका, प्रियंका है दोनों। प्रियंका तुम्हारा हो गया डिस्कशन? प्रियंका तुम उस पर किस, तुम्हारा क्या वो चल रहा है, डिसर्टेशन कर रही हो ना तुम आगे? जी सर। तो तुम्हारा तो कोई आर्ट हिस्ट्री का टॉपिक है ना? अच्छा, हाँ तो सर से बात करती रहो, राजकुमार सर से उसके प्रोग्रेस करते रहो फटाफट उसको भी, ठीक है? क्योंकि फाइनल ईयर वाले थोड़ा सा तुम लोगों के लिए है कि मतलब आपका सर जो एडवर्टाइजमेंट उसका टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट का जो टॉपिक है वो आप दे रहे हैं क्या? टॉपिक नहीं, जैसे कुछ बच्चे अगर एडवर्टाइजिंग भी करना चाह रहे हैं तो सजेशंस मैं दे रहा हूँ, बाकी सर टेक ओवर सर ही कर रहे हैं, मतलब सर देख रहे हैं पूरा डिसर्टेशन। बाकी किसी बच्चे को अगर हाँ अप्लाइड का कोई टॉपिक ले रहा है तो उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, कि जो मुझे नॉलेज है मैं उसको शेयर कर सकता हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, या उसमें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ चैप्टर्स में। तो वो चीज़ थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से बात कर रहे हैं उसके बारे में। बच्चे अभी तो कोई मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, बट हम भी ट्राई कर रहे हैं कि मतलब कुछ अगर डेट मिलती है तो डेफिनेटली हम उसी दिन आपको शेयर कर दें। हाँ नहीं डेफिनेटली कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है तो डेफिनेटली मैं ग्रुप पे बता दूंगा, नहीं तो फिर जो बच्चे हैं क्लास में उस पर अनाउंस कर दूंगा क्या डेट है। ठीक है हाँ, बट ये है कि हाँ मैं एक बार प्रियंका से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, थोड़े इशू आ रहे हैं। हाँ ठीक है प्रियंका, कल हाँ कल दिखाओ मुझे, कल अपना काम लेके आना क्लास में, ठीक है प्रियंका? हाँ चलो ठीक है, ठीक है मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, हम फ़ोन से बात करते हैं, ज़रा बात नहीं हो पा रही। ठीक ओके।